आम नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए विदिशा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सीमाओं के पुनर्निर्धारण करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा ने सिटी थाना प्रभारी संजीव चौकसे और देहात थाना प्रभारी हरिकिशन लोहिया और पुलिस कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। नगर और ग्रामों की सिटी और देहात थाने में आने वाली सीमाओं की जानकारी दी। बताया कि शहर में 78 ग्रामों और 1 से 14 वार्डों को रखा गया है। वहीं मंडी, बरेट, उदयपुर में बनने वाले नवीन अस्पताल को भी शामिल किया गया है। देहात में 76 ग्राम और 15 से 13 वार्डों सहित अंबनगर, नवीन न्यायालय और नटेरन के अमोदा और मड़िया ग्रामों को भी शामिल किया गया है। हम लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, कलेक्टर साहब ने इसमें और रुचि दिखाई और कलेक्टर साहब ने फिर इसमें रेवेन्यू के अमले को भी शामिल किया और एसडीएम साहब तो पुलिस तत्काल वहां पहुंचे और ये असमंजस की स्थिति नहीं रहे कि वो अब ग्यारसपुर से आएंगे कि त्योदा से आएंगे, वो चीज नहीं रही। तो हैदरगढ़ थाने को अपन ने अप्रोच किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों से काफी समय से लंबे शिकायत थी कि थाना शहर वासुदा और थाना देहात वासुदा में सीमाओं को लेकर काफ़ी विषमता थी